मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेले का रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर समारोह पूर्वक भूमि पूजन किया गया। ऐतिहासिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता वाले 130वें श्री नवग्रह मेले का सांसद गजेंद्र पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी आदि ने श्री नवग्रह भगवान का पूजन करने के बाद मेला मैदान पर कुदाली चलाकर मेले की विधिवत शुरुआत की। सांसद पटेल ने कहा, मेला मिलन समाज को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है फिल्मी गीत भी सुनाया। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि कोविड के खतरे को देखते हुए मास्क सैनिटाइजर जरूरी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मेला झूले, सर्कस, दुकानों, खाने पीने के साथ ही पशु मेले के लिए प्रख्यात है। यहाँ निमाड़ी नस्ल के बैल, भैंस, गाय आदि की खरीदी के लिए देश भर के व्यापारी पहुँचते हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कई प्रकार के समाज की मन का मिलन, दिल का मिलन, कहीं कहीं व्यापारी को आर्थिक लेन देन होता है, और इसलिए गीत भी कि मेला दिलों का आता है। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के में सुष्ट रूप से पहचाना जाए, इसकी हम सब ने रणनीति तैयार करना चाहिए, और इसलिए खरगोन में बहुत सारी समस्याओं का जिक्र आप कर रहे हैं, पर 2 साल हो गए कोरोना काल को, और हमेशा से मैं इस कार्यक्रम में आता भी हूँ, और मेरी बहुत इच्छा है कि दिन रात इस क्षेत्र के लिए काम करने की। मैं कल रात को 2 बजे दिल्ली से आया, पर मेरा आज कल परसों सतत कार्यक्रम है। मुझे आंध्र प्रदेश भी जाना है, वहाँ भी मेरी बैठक है, कर्नाटका में भी है। मेरा सबसे एक ही आग्रह कि खरगोन में मकर संक्रांति के दिन इस खरगोन शहर का गौरव दिवस होने वाला है, और उस दिन मकर संक्रांति दान देने का भी दिन है, पुण्य का भी दिन है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर कांग्रेस के दल के भी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दल के लोग भी बैठे हैं, समाज के और अन्य व्यापारी वर्ग भी बैठा हुआ है, मीडिया के भी मेरे सहकर्मी बैठे हुए हैं, और इसलिए खरगोन शहर गौरव दिवस में खरगोन शहर के एक एक घर में दीप जले, हर्षोल्लास से खरगोन का नवग्रह की इस मकर संक्रांति पर दान पुण्य होता है, और दान भी खूब करें और पूरे खरगोन शहर को सजाया जाए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारा गौरव दिवस भी संक्रांति दान पुण्य के नाम से होने वाला दिवस स्मृतियों में है, जो वाकई में देश के कुछ उन चुनिंदा देवतुल्य नेताओं में से थे जिन्होंने इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती को जिया और लोकतंत्र के उच्चतम मापदंडों को जीवित रखा। ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष में रहकर देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं तो संसद से कहता है कि यह दुर्गा का अवतार है। ऐसा व्यक्ति जब कुछ गलत होता है तो सत्ता में रहते हुए अपने लोगों को राजधर्म के पालन की प्रेरणा देता है। आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है, और ऐसे ही नेताओं के बल पर, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, हमारे देश का लोकतंत्र और इसकी खूबसूरती जिंदा है। मेले ठेले वाकई में आनंद का विषय रहे हैं। आज तो सांसद जी की एक और प्रतिभा हमारे सामने आई कि यह बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने गीत रखा। मेले टेले दोनों ही जब बोझिल मन हो जाता है तब वह आनंद और ऊर्जा और जीवटता प्रदान करने वाले रहे हैं। आज मेले का भूमि पूजन हुआ है, आज 130वां मेले का भूमि पूजन है, और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से सभी मेले में आते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो भूमि पूजन किया है उसमें माननीय सांसद महोदय जी और हमारे सभी नगर पालिका के सभापति पार्षदगण सभी एकत्रित हुए हैं, और व्यापारीगण भी एकत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि मेला इस बार जोर शोर से चले, क्योंकि हम 2 साल कोरोना में थे और कोरोना के कारण मेला अच्छे से चल नहीं पाया था, व्यापारियों का नुकसान हुआ, और इस बार हम सोचते हैं कि अच्छे से हमारा व्यापारियों का फायदा भी हो, ताकि वो अपने मेले में जो दुकानें लगाते हैं, झूले लगाते हैं, उनको अच्छे से यहाँ पर आमदनी होके चल जाए।
इस बार कुछ नई व्यवस्था कुछ रहेगी सांस्कृतिक कार्यक्रम? हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे, हमारा है ही मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, जहाँ तक हो सकता है कि आदिवासी कार्यक्रम भी एक रखेंगे, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक, और अभी सोचा है हमने कि कवि सम्मेलन भी रखें, और उस इस कार्यक्रम के अलावा जो मेले में आदिवासी कार्यक्रम रखेंगे, इच्छा है कि एक आदिवासी कार्यक्रम रखा जाए, और मास्क की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि है ना अभी वापस कोरोना की आने की संभावना है, इसलिए हम लोग सतर्कता रखें। और खरगोन की जनता और ग्रामीण की जनता से भी मैं यही निवेदन करूंगी कि वो मास्क की और सैनिटाइजर की व्यवस्था से ही आए और जाए, क्योंकि अपना खुद का जीवन है और जीवन को अपने संभालने के लिए इन चीजों की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।